सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी ई शिक्षण कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक कोकिला के पाठ 16 पेड़ों की पुकार का पठन करेंगे। बच्चों, पेड़ों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पेड़ों से हमें फल, फूल, छाया, लकड़ी और ऑक्सीजन मिलती है और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की औषधियां यानी कि दवाइयां भी मिलती हैं। परंतु बच्चों, आज इंसान अपने थोड़े से फायदे के लिए पेड़ों को निरंतर काट रहा है। यदि हम पेड़ों को नहीं बचाएंगे तो प्रकृति हमसे रूठ जाएगी और हमें नुकसान पहुंच जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आओ जाने कि पेड़ों की पुकार क्या है। आलोक ने स्कूल से लौटते ही अपना स्कूल बैग उतार फेंका और गली में खेल रहे बच्चों की मित्र मंडली में पहुंच गया। मंडली का अर्थ होता है टोली। सभी मित्र गुल्ली डंडा खेलना चाहते थे, परंतु उनके पास ना तो इतनी गुल्लियां थी और ना ही डंडे। सबके पास अपने अपने डंडे हों, इसके लिए उन्होंने जंगल में जाकर डंडे काट लाने की योजना बनाई। योजना का अर्थ होता है उपाय। पूजित अपने घर से कुल्हाड़ी उठा लाया और पूरी मित्र मंडली जंगल में जा पहुंची। ये देखिए बच्चों, बच्चों की टोली जंगल में पहुंच जाती है और नीम के पेड़ के पास पहुंचकर वो उसको काटने लगते हैं। आलोक ने पूजित से कुल्हाड़ी लेकर जो ही नीम के पेड़ पर चलाई तो नीम का पेड़ बोल उठा, नीम हकीम मेरा नाम, मुझको अपना रक्षक जान। बच्चों, लोग मुझे हकीम यानी कि वैद्य के रूप से जानते हैं, मुझे तुम अपना रक्षक जानो। रक्षक यानी बचाने वाला। मच्छर कीड़े मार भगाऊं, फोड़े फुंसी सकल मिटाऊं। मैं मच्छर और कीड़ों को मार भगाता हूं और फोड़े फुंसी सभी मिटा देता हूं। चर्म रोग को जाऊं चाट, मेरे प्यारे मुझे न काट। चर्म का अर्थ है चमड़ी। मैं चमड़ी रोग को जड़ से मिटा देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे मत काटो। नीम की आवाज सुनकर आलोक हैरान सा होकर कहने लगा, अरे तुम तो सचमुच मेरे मित्र हो। चलो आगे चलकर उस बबूल के पेड़ से लकड़ी काट लेते हैं। मित्र मंडली आगे बढ़ी। देखिए बच्चों, नीम के पेड़ की बात सुनकर सभी बच्चे बबूल के पेड़ के पास उसे काटने के लिए पहुंच जाते हैं। आलोक ने जो ही बबूल के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई तो उस बबूल के पेड़ से भी आवाज आई, मैं हूं तेरा मित्र बबूल, मेरे अंग अंग में है शूल। शूल यानी कांटे। बबूल का पेड़ कहता है कि अरे मैं तो तुम्हारा मित्र हूं, मेरे हर अंग में कांटे हैं। दातुन मेरी बड़ी अनमोल, दांत चमकाए बिन किसी मोल। मेरी दातुन बड़ी अनमोल है और वह बिना किसी मूल्य के दांत चमकाती है। मेरा हृदय हुआ उचाट, देख मित्र मुझे न काट। हृदय दिल, उचाट का अर्थ है बेचैन। यह देखकर मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया है, मेरे मित्रों मुझे मत काटो। आलोक, क्या तुमने मुझे मित्र कहा? बबूल, हाँ हाँ। आलोक, तुम भी सचमुच मेरे मित्र हो। भैया, मुझे क्षमा करो, मैं आगे से भूल कर भी कभी तुम्हारे ऊपर कुल्हाड़ी नहीं जलाऊंगा। यह कहकर मित्र मंडली आगे बढ़ गई और सब एक
शहतूत के पेड़ के सामने जाकर खड़े हो गए। यह देखो बच्चों, सब बच्चे बबूल के पेड़ की बात सुनकर शहतूत के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। आलोक ने जैसे ही शहतूत के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई तो शहतूत भी बोल उठा, मैं हूं तेरा मित्र शहतूत, मत कर तू ऐसी करतूत। करतूत का अर्थ है बच्चों बुरा काम। मैं तो तुम्हारा मित्र शहतूत हूँ, तुम ऐसे बुरे काम मत करो। छाया मेरी गदराई है, क्या तुम्हारे मन नहीं भाई है। गदराई का अर्थ है ताजी। मेरी छाया बहुत ताजी है, क्या तुम्हारे मन को अच्छी नहीं लगी। लगे जब फल रस लेना चाट, मेरे प्यारे मुझे न काट। जब भी मुझ पर फल लगेंगे तुम उन रसीले फलों को खा लेना, मेरे प्यारे बच्चों मुझे मत काटो। शहतूत के पेड़ की बात सुनकर आलोक ने कुल्हाड़ी वहीं फेंक दी। पूरी मित्र मंडली ने आपस में मिलकर विचार किया कि अब हम सब अपने जीवन में कभी भी पेड़ों को नहीं काटेंगे। अगले दिन सब ने न केवल एक एक पेड़ ही लगाया बल्कि उनका पालन पोषण करने का जिम्मा भी उठाया। पालन पोषण का अर्थ है देखभाल करना। आओ हम सब भी प्रतिज्ञा करें कि हम भूल कर भी कभी पेड़ नहीं काटेंगे और हर वर्ष एक पेड़ लगाएंगे। प्रतिज्ञा का अर्थ है बच्चों कसम। बच्चों इस पाठ को पढ़कर हमें यह शिक्षा मिलती है कि पेड़ों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।